हेलो स्टूडेंट्स, तो इसके पहले क्लास में हम लोग डायमेंशन एनालिसिस का यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है, उसके बारे में देख रहे थे या देखे थे, है ना। तो उसमें मैंने फर्स्ट तीन एप्लीकेशन मैंने बताया था कि पहला एप्लीकेशन मैंने ये बताया था कि डायमेंशन एनालिसिस इज यूज टू चेक द करेक्टनेस, डायमेंशनली करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल रिलेशन। कोई भी फिजिकल इक्वेशन दिया हुआ है या रिलेशन दिया हुआ है तो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए हम डायमेंशन एनालिसिस यूज करते हैं, ठीक है, डायमेंशनल मेथड यूज करते हैं। उसके बाद हमने ये देखा था कि कोई भी यदि फिजिकल रिलेशन या फिजिकल इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो फिजिकली करेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन यदि कोई भी फिजिकल रिलेशन फिजिकली करेक्ट है तो अलवेज क्या होगा, डायमेंशनली करेक्ट होगा। ये हमने देखा था, कई एग्जांपल्स मैंने बताया था, और उसके बाद मैंने आपको नोट बोला था कि नोट में इसको लिखना है, कि तो हमने नोट में भी लिखा था। सेकेंड एप्लीकेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, और इससे यू बोल सकते हो कि इससे जेई में क्वेश्चन पूछा जाता है, जेई और नीट दोनों में क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं कि क्या है, टू फाइंड द फिजिकल रिलेशन, टू डिराइव द फिजिकल रिलेशन, ठीक है। जैसे मैं सिंपल एग्जांपल कंसीडर करूं, आप जानते हैं, आप लोग सभी जानते हैं कि फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एज वेल एज एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अपने को मैं बोलूं कि बाय यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस फाइंड द रिलेशन ऑफ फोर्स, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो यहां देखो तो क्या होगा, सेकेंड एप्लीकेशन जो है क्या है, टू फाइंड द फिजिकल रिलेशन। इसका भी कुछ लिमिटेशन है, कि क्या लिमिटेशन है, पहले जब हम डाउट पहले हम इसको सॉल्व कर लो, उसके बाद हम देखेंगे कि लिमिटेशन क्या है, है ना, बाद में। तो यहाँ क्या है, टू फाइंड द फिजिकल रिलेशन, फिजिकल रिलेशन, जैसे पहला रिलेशन, सिंपल हम रिलेशन देखेंगे कि, तो इसका यूज करते हैं। जैसे देखो पहला एग्जांपल, देखो एग्जांपल से ही हम शुरू करते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में, कि हम जानते हैं कि इफ फोर्स डिपेंड ऑन क्या होगा, इफ फोर्स एक्टिंग on any object depend on mass of the object, mass small m मैं मान लेता हूं, small m of the object as well as acceleration in the object, acceleration को हम क्या चीज से consider कर रहे हैं, yes, in the object, then find the equation for force, find the equation, yeah, the find the kya hoga, then find the kya hoga, the value of force ko hum f manenge, f in terms of mass and acceleration, समझना है आपको। देखो अब आपको ये मालूम नहीं है कि m का पावर क्या है, तो यहां यही समझना है आपको कि कुछ, देखो ध्यान से, ठीक है, आपको समझ में आया, फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एज वेल एज एक्सेलरेशन ए इन द ऑब्जेक्ट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स f इन टर्म्स ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि f इक्वल टू क्या होता है, तो अब हम सॉल्यूशन जब लिखेंगे, ये ध्यान देना है कि सॉल्यूशन में
सॉल्यूशन जब लिखेंगे तो अब मुझे मालूम नहीं है कि फोर्स यहां दिया हुआ है कि फोर्स क्या चीज पर डिपेंड करता है, मास एंड एक्सेलेरेशन पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये नहीं मालूम है कि मास और एक्सेलेरेशन का पावर क्या है, ये मुझे मालूम नहीं है। तो पावर हम क्या करेंगे, मान लेंगे। समझ में आया ना, क्या करेंगे हम यहां, पावर मान लेंगे। तो हम मानेंगे कि फोर्स, देखो ध्यान से, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास के पावर। मास के पावर क्या होगा, एक्स, जिस जिस क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, एंड क्या होगा, इनटू क्या होगा, एक्सेलेरेशन के पावर। अब ये दिया हुआ है, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन के पावर क्या होगा, वाई। ठीक है, ये इक्वेशन क्या होगा, फर्स्ट, और ये इक्वेशन सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड से हम लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या होगा, सेकंड से हम बोल सकते हैं कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एम के पावर, आई मीन मास के पावर एक्स। ठीक है, क्या होगा, मास के पावर एक्स एंड, मास के पावर एक्स एंड क्या होगा, एक्सेलेरेशन के पावर क्या होगा, वाई। ठीक है, यहां से अभी भी लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू क्या होगा, सम कांस्टेंट के, इक्वल टू लिख सकते हैं मास के पावर एक्स और क्या होगा, एक्सेलेरेशन के पावर क्या होगा, वाई। ये इक्वेशन हमने क्या मान लिया, थ्री। अब देखो ये क्या है, कांस्टेंट है, तो ये क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। दिस विल बी क्या होगा, के, हम यहां लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ के इक्वल टू क्या होगा, एम रेस टू जीरो, एल रेस टू जीरो, टी रेस टू क्या होगा जी। ठीक है, अब हम जानते हैं कि फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ, देखो ये रिलेशन दिया हुआ है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंगली क्या होता है कि डायमेंशन एनालिसिस से क्या होगा कि डायमेंशन ऑफ LHS पार्ट मस्ट बी क्या होगा, डायमेंशन ऑफ RHS पार्ट। आई मीन ये फोर्स है तो इसका भी डायमेंशन क्या होगा, फोर्स होगा। समझ में आया ना आपको, मुझे क्या करना है, अनोन क्या है, एक्स एंड वाई है। हमेशा जब भी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नहीं ये फिजिकल क्वांटिटी इस पे डिपेंड कर रहा है, अब कैसे कर रहा है ये मुझे मालूम नहीं है, तो मैं उसका पावर क्या मानूंगा, एक्स वाई एंड जेड जो भी होगा, है ना। और फिर डायमेंशन एनालिसिस, आई मीन डायमेंशन का कॉन्सेप्ट यूज करके यदि मैं एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड आउट कर सकूं या कर लूं, तो आसानी से हम एफ इक्वल टू एम, एफ और एम एंड ई में क्या करेंगे, रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होगा, डायमेंशन ऑफ एफ याद रखना है इज इक्वल टू, क्यों, क्योंकि के जो है वो क्या है, डायमेंशन लेस है, तो डायमेंशन ऑफ क्या होगा, मास के पावर क्या हो जाएगा, सिंपल हमने क्या लिखा है, एक्स लिख दिया है, इनटू क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ एक्सेलेरेशन के पावर, तो डायमेंशन क्या होगा, एम एल टी माइनस क्या होगा, टू, याद रखना है। फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, एम एल टी माइनस टू। मास का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल एम, तो एम के पावर क्या हो जाएगा, एक्स। एक्सेलेरेशन का डायमेंशन क्या होता है, एल टी के पावर क्या होता है, माइनस वन, इनटू क्या होगा, वाई। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं एम एल टी के पावर क्या होगा, माइनस टू इज इक्वल टू, देखो एम के पावर क्या लिखेंगे, एक्स, एल के पावर क्या होगा, वाई, और टी के पावर क्या होगा, माइनस। अब तो सिंपल क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे यार, तो देखो तो ये दोनों सेम है, इसका मतलब एक्स इक्वल टू क्या होगा, अरे एक्स इक्वल टू क्या होगा, समझ में आया ना, तो यहां क्या होगा, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन, वाई इक्वल टू क्या होगा, देखो ध्यान से, है ना, हमने कुछ गलत कर दिया क्या, एम एल टी हाँ सही है। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, यदि मैं एल इक्वल टू, हमने क्या किया,
एम एल टी माइनस क्या हो जाएगा टू, ठीक है। तो अब देखो क्या हो जाएगा, यहां से आप देख सकते हो कि वाई का जो वैल्यू होगा वो तो क्या है, गलत आ रहा है क्या, ओ यहां मैंने गलत लिख दिया ना, एल टी माइनस टू होगा ना, इसलिए गलत आ रहा है, ठीक है। तो देखो यहां से L का पावर क्या हो जाएगा, इक्वेट हो जाएगा, तो यहां से y इक्वल टू क्या हो जाएगा, बन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड में क्या करेंगे, नाउ क्या लिखेंगे, नाउ फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या होगा, तो f इज इक्वल टू k इंटू, देखो m के पावर क्या हो गया वन, e के पावर क्या हो गया वन, तो हम लिख सकते हैं f इक्वल टू क्या होगा, k इंटू क्या होगा m। यहाँ k का वैल्यू हम क्या मानते हैं, ये मान लेते हैं k इक्वल टू सॉरी वन, तो f इक्वल टू क्या हो गया, कॉन्स्टेंट का वैल्यू हमेशा क्या कर लेंगे, वन मान लेंगे, ठीक है। वो आपको कैसे कॉन्स्टेंट का, इसका एक ड्रॉबैक भी है कि जो कॉन्स्टेंट होता है ना, इसका वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं डायमेंशन एनालिसिस को यूज करके, आगे हम देखेंगे, लेकिन आप जानते हो कि ये क्या होगा, k होगा, तो ये अपने को मालूम चल गया कि f इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है, ठीक है। दूसरा रिलेशन देखो, सिंपल सिंपल रिलेशन हम देखेंगे, अभी आपको अपने से लिखना पड़ेगा, यहाँ k का वैल्यू वन, कहीं k का वैल्यू हाफ, ये सब अपने को क्या है, लिखना पड़ेगा। जैसे सेकंड रिलेशन देखो कि हम जानते हैं कि लीनियर मोमेंटम, सेकंड एग्जांपल देखो, लीनियर इसमें न्यूमेरिकली है, लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम पी ऑफ एन क्या है, एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन, देखो डिपेंड ऑन मास ऑफ द क्या होगा, ऑफ द ऑब्जेक्ट एज वेल एज, एज वेल एज लीनियर वेलोसिटी ऑफ द क्या होगा, ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास यहां मान लेना, मास क्या है मान लेना, लीनियर वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन फाइंड रिलेशन, ऐसे भी लिख सकते हो रिलेशन अमोंग अमोंग पी एम एंड क्या, एम स्टैंड फॉर मास, वी स्टैंड फॉर क्या होगा, वेलोसिटी, ठीक है। कुछ नहीं कर रहा है देखो, ये तुमको खुद से सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करोगे, समझ में आया ना, ये आपको समझ में आया, सेकंड नंबर क्वेश्चन से कि लीनियर मोमेंटम, इफ लीनियर मोमेंटम पी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एज वेल एज लीनियर वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन फाइंड द रिलेशन अमोंग पी एम एंड, पी स्टैंड फॉर लीनियर मोमेंटम, एम स्टैंड फॉर मास एंड वी स्टैंड फॉर वेलोसिटी। अब अगेन क्या करेंगे, सोल्यूशन, अब मैं हर टाइम नहीं, देखो p क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है, तो p इक्वल टू डायरेक्ट लिखेंगे सम कांस्टेंट इनटू क्या लिखेंगे, m के पावर x, m के पावर x और v के पावर क्या लिखेंगे, y, ठीक है। क्या लिखेंगे, p के p इक्वल टू क्या होगा, k इनटू m के पावर x, v के पावर y, यही होगा। अब अगेन कांस्टेंट जो होगा, देखो हमेशा कांस्टेंट जो होगा वो क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, ये बताया गया था, तब लिख सकते हैं कि नाउ क्या होगा, नाउ फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, देखो तो डायमेंशन ऑफ पी, डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड क्या होगा, डायमेंशन ऑफ क्या होगा, डायमेंशन ऑफ एम के पावर एक्स इंटू डायमेंशन ऑफ क्या होगा, वी, इसको अंदर लिखो बाहर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, पी का डायमेंशन क्या होगा आपको ही मालूम है, क्या होता है एम एल टी माइनस क्या होगा वन इज इक्वल टू क्या होगा, एम के पावर क्या होगा एक्स
इनटू क्या होगा एल टी के, एल के पावर वाई टी के पावर क्या होगा माइनस वन, यही होगा। यहाँ लिख सकते हैं एम एल टी के पावर माइनस वन इक्वल टू एम के पावर एक्स एल के पावर वाई टी के पावर वाई। अब अगेन क्या करेंगे देखो एक साथ ऐसे। अब ये एल एच एस और आर एच एस इक्वल है तो आपको भी मालूम है कि क्या होगा, है ना। तो इसको हमने इक्वेशन क्या मान लिया, वन मान लिया, ठीक है। अब यहां से x का वैल्यू क्या होगा देखो, तो x इक्वल टू क्या होगा वन, y का वैल्यू क्या होगा वन, y का भी वैल्यू क्या होगा वन, y इक्वल टू क्या होगा क्या वन हो गया। अब इसको हमने क्या मान लिया, सेकेंड इक्वेशन मान लिया। तो नाउ क्या लिखेंगे, नाउ फ्रॉम फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या होगा एंड सेकेंड, तो हम लिख सकते हैं P इक्वल टू क्या लिखेंगे K M के पावर X आई मीन M इंटू क्या होगा V, और यहाँ K इक्वल टू हम क्या मान लेंगे K इक्वल टू वन रखेंगे, तो P इक्वल टू क्या होगा M इंटू क्या हो गया, ठीक है। तो डायमेंशन, हाँ K का वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा कि इक्वेशन आपको ओरिजिनल इक्वेशन मालूम है तो इसको यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो। तीसरा जो रिलेशन है, सभी कोई भी रिलेशन आप फाइंड आउट कर सकते हो। देखो इसको समझना जरूरी है, कुछ हम न्यूमेरिकल आए हुए भी मैं बताऊंगा लेकिन पहले आप इसको समझो। तीसरा एग्जांपल आप जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। अब आपसे मैं पूछूं कि द काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन क्या होगा फोर्स मास एंड क्या होगा टाइम, ठीक है। ऐसे दिया हुआ हो, ऐसे क्वेश्चन में भी दिया जा सकता है। तो देखो ध्यान से अगला हम क्या लिखेंगे, ठीक है, कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, यहाँ देखो कैसे सोच। चलिए एक रिलेशन और लिख लेते हैं एग्जांपल थर्ड, उसके बाद हम आते हैं कि इफ क्या होगा, इफ काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी आई मीन के ऑफ एन क्या होगा एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन क्या होगा डिपेंड ऑन मास एम एंड क्या होगा एंड स्पीड वी ऑफ द क्या होगा ऑब्जेक्ट। देन यहां पूछा है देन फाइंड, ठीक है, फाइंड द रिलेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, थर्ड एग्जांपल है। अब यहां भी हम क्या करेंगे, अब मुझे मालूम नहीं अगेन क्या है, तो मुझे मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, तो अगेन क्या लिखेंगे, देखो काइनेटिक एनर्जी क्या क्या चीज पर डिपेंड कर रहा है, मास एंड वेलोसिटी। अब कैसे डिपेंड करे मुझे मालूम नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, देखो काइनेटिक एनर्जी के हमने मान लिया है यहां, तो के इक्वल टू सम कांस्टेंट, सी मैंने मान लिया कांस्टेंट, इनटू क्या लिखेंगे एम के पावर एक्स और वी के पावर क्या लिखेंगे वाई, ये सी क्या है कांस्टेंट है, के क्या है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब ये तो कांस्टेंट ऑलवेज क्या होगा डायमेंशनलेस होगा, तो हम बोल सकते हैं कि नाउ क्या लिख सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार क्या लिख सकते हैं, देखो मैं नहीं लिख रहा हूं डायमेंशन, नाउ हम लिख सकते हैं नाउ डायमेंशन ऑफ के इज इक्वल टू क्या होगा डायमेंशन ऑफ एम के पावर एक्स इंटू डायमेंशन ऑफ क्या होगा वी के पावर वाई। क्यों, क्योंकि सी का डायमेंशन क्या होगा जीरो होगा, आई मीन डायमेंशन लेस होगा। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, वर्क के डायमेंशन के क्या होता है इक्वल होता है, तो यहां काइनेटिक एनर्जी का जब डायमेंशन लिखोगे तो एम एल स्क्वायर टी माइनस क्या होगा टू इज इक्वल टू मास का डायमेंशन क्या होगा एक्स, तो एम कैपिटल एम के पावर क्या होगा एक्स, और वी का जो डायमेंशन होगा एल टी माइनस वन। ठीक है, तो यहां एक स्टेप और आगे लिखोगे तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू
इक्वल टू क्या होगा, एम के पावर एक्स, ठीक है, एल के पावर वाई, टी के पावर माइनस वन, यही है ना यार। अब अगेन देखो ये दोनों इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि x इक्वल टू क्या हो गया 1 और y इक्वल टू क्या होगा 2। इसको हम इक्वेशन सेकंड। नाउ फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। इसके लिए क्या है, आपको डायमेंशन याद होना चाहिए या डायमेंशन लिखने आना चाहिए, तभी आप इसको यूज करके आप रिजल्ट डिराइव कर सकते हो, ठीक है, अदरवाइज आप डिराइव नहीं कर सकते। कोई भी रिलेशन है यदि ये मालूम है कि नहीं ये इस चीज पे क्या है डिपेंड करता है, तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, रिजल्ट डिराइव कर सकते हो, ठीक है। अब हम क्या लिख देंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो हम लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू क्या लिखेंगे, एम वी स्क्वायर। अब यहाँ देखो कांस्टेंट का वैल्यू अपने से हम जानते हैं, कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ क्या लिख देंगे, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, तो हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर। तो यहाँ क्या होता है, इसका एक ड्रॉबैक ये है कि जो देखो हमेशा एक कांस्टेंट का हम वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं बाय यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है, तो यही क्या हुआ काइनेटिक एनर्जी का। अब एक क्वेश्चन जो आएगा हमेशा पूछा जाएगा कि यदि क्या होगा, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इफ काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन क्या होगा, फोर्स, ठीक है, फोर्स, मास एंड टाइम, ये ठीक है, क्या है फोर्स, मास एंड क्या है टाइम, देन फाइंड द क्या होगा काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फोर्स, मास एंड टाइम। देखो यहाँ कैसे पूछा जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला एग्जांपल देखो, ठीक है, कि इफ क्या होगा, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन क्या होगा, एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऐसे दिया हुआ, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन फोर्स एफ, मास एम एंड टाइम टी, देन फाइंड काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ एफ एम एंड क्या होगा, ठीक है, ऐसे भी यहां क्या है, फोर्स, मास और टाइम को क्या किया, फंडामेंटल क्वांटिटीज कंसीडर कर लिया है, ठीक है, ऐसा मान लिया गया। अब अगेन देखो क्या है, सॉल्यूशन वही है, कुछ नहीं है, सॉल्यूशन वही है। अब यहाँ ये क्या है, देन फाइंड द काइनेटिक एनर्जी इन टर्म, तो आप मान लेंगे कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, सम कॉन्स्टेंट है ना, इक्वल टू क्या लिखेंगे फोर्स के पावर एक्स, एम के पावर वाई और टी के पावर क्या लिखेंगे, जेड, ठीक है, यही लिखेंगे। अब अगेन ये क्या है, कांस्टेंट है, तो ये क्या होगा, डायमेंशनलेस, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होगा, डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ फोर्स के पावर एक्स, डायमेंशन ऑफ मास के पावर वाई, डायमेंशन ऑफ टाइम के पावर जेड, कहीं भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका डायमेंशन क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। एफ का डायमेंशन लिखो एम एल टी माइनस टू। मास का डायमेंशन यहाँ लिखो एम, ठीक है, और टी का डायमेंशन लिखो। अब इस सबको एक जगह लिखो,
तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू है ना इज इक्वल टू क्या होगा एम, देखो ये कितना होगा एम के पावर वाई प्लस वन एल, ठीक है। हाँ हमने यहाँ ए एक्स हो जाएगा ना यार, गलत लिख रहा हूँ है ना, एम एक्स हो जाएगा ना यार, तो यहाँ क्या हो जाएगा देखो एक साथ लिख रहा हूँ एम के पावर एक्स प्लस वाई, एल के पावर क्या हो जाएगा सिंपल एल के पावर एक्स, ठीक है, और टी के पावर क्या हो जाएगा माइनस टू एक्स प्लस जेड, यही होगा ना यार। देखो यहाँ से ध्यान से एम के पावर एक्स एल के पावर एम के पावर एक्स प्लस वाई एल के पावर एक्स एक्स केवल और टी के पावर माइनस टू एक्स प्लस जेड। अब अगेन क्या करेंगे देखो मुझे क्या करना है एक्स वाई और जेड का वैल्यू कैलकुलेट करना है इसको इसको यूज करके। तो यहाँ क्या होगा देखो ध्यान से एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा देखो एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा जीरो आई मीन एक्स इक्वल टू माइनस वाई, ठीक है ये इक्वेशन वन मान लो यार, ठीक है। उसी तरह देखो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा टू हो जाएगा, ठीक है, यहाँ x इक्वल टू टू इक्वल टू क्या होगा x इक्वल टू टू y इक्वल टू क्या होगा माइनस टू। अब इसमें वैल्यू रख दो माइनस टू एक्स प्लस जेड इक्वल टू क्या हो गया माइनस टू, तो माइनस फोर प्लस जेड इक्वल टू क्या हुआ माइनस टू, तो जेड इक्वल टू क्या हुआ। अब यहाँ मालूम चल गया देखो ध्यान से x इक्वल टू टू y इक्वल टू माइनस टू जेड इक्वल टू क्या हुआ, ठीक है। अब आपको क्या करना है ये वैल्यू मालूम चल गया इसे। अब यही वैल्यू x y z का हम यहाँ रख देंगे तो काइनेटिक एनर्जी फोर्स और मास एंड टाइम के टर्म में रिलेशन मिल जाएगा जो जनरली पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ कि नाउ नाउ फ्रॉम क्या होगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होगा c इंटू क्या होगा f के पावर आई मीन क्या हो जाएगा f के पावर टू m के पावर माइनस टू t के पावर क्या हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया f के पावर टू m के पावर क्या होगा माइनस टू और टी के पावर टाइम के पावर सॉरी टी स्मॉल लिखो। तो ये काइनेटिक एनर्जी किसके टर्म में आ गया फोर्स मास एंड क्या हुआ टाइम के टर्म में आ गया। उसके बाद देखो एक और रिलेशन पूछा जाता है जो देखो अगला एग्जांपल बस इसमें न्यूमेरिकली इसलिए न्यूमेरिकल बता रहा हूँ कि आप आसानी से अब कल क्या मतलब आज के जो इस लेक्चर के जब आप ये लेक्चर देखोगे तो इसके बाद मैं एक शीट दूंगा मैं शीट देना शुरू करूंगा क्योंकि अब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मतलब हम पॉइंट पढ़ रहे हैं तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। तो आपको क्या करना है उस शीट को सॉल्व करना है तो उसमें इस टाइप से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आप, ठीक है। अब देखो ध्यान से इफ यहाँ मैं लिख रहा हूँ इफ टाइम पीरियड टी कैपिटल टी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड ऑन लेंथ एल ऑफ द क्या होगा ऑफ द पेंडुलम as well as acceleration due to gravity g of the earth, then kya hai find the relation for क्या होगा time period
बाय यूजिंग दैट। इसको दूसरे मेथड से भी हम पढ़ेंगे जब वहाँ आओगे, जब SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर हम पढ़ते हैं तो वहाँ हम इसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व करें। अब देखो क्या है यहाँ टाइम पीरियड क्या क्या चीज पर डिपेंड कर रहा है। पहले हम आसान आसान प्रॉब्लम सॉल्व कर लें फिर आए हुए कुछ प्रॉब्लम भी देखें। टाइम पीरियड जो होगा वो क्या क्या चीज पर डिपेंड करेगा, तो दिया हुआ है कि टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे। तो हम क्या लिखेंगे, एल के पावर क्या लिखेंगे, एल के पावर एक्स, ठीक है। उसके बाद किस पे डिपेंड कर रहा है, जी पे, तो जी के पावर क्या लिखेंगे, वाई, ठीक है। और यहां लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के, एल के पावर एक्स और जी के पावर क्या होगा, वाई। अगेन आप डायमेंशन एनालिसिस यूज करेंगे क्योंकि कांस्टेंट जो होगा वो क्या होगा, तो अगेन लिख सकते हैं नाउ, क्या लिख सकते हैं नाउ, ठीक है। डायमेंशन ऑफ टाइम, आई मीन डायमेंशन ऑफ टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ लेंथ के पावर एक्स, डायमेंशन ऑफ जी के पावर क्या होगा, टाइम पीरियड का डायमेंशन तो यही होगा यार, तो यहाँ लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ टी इज इक्वल टू एल के पावर एक्स इन टू क्या होगा, जी क्या है, एक्सेलेरेशन है, तो एक्सेलेरेशन का डायमेंशन क्या होगा, एल टी के पावर क्या होगा, माइनस टू। यहां से देखो तो डायमेंशन ऑफ टी, अब यहां कुछ नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, एम रेस टू जीरो, एल रेस टू जीरो, टी रेस टू, ऐसे लिख सकते हैं यार। यहां भी क्या लिखेंगे, एम रेस टू जीरो, एल रेस टू क्या लिखेंगे, एल रेस टू एक्स प्लस वाई, और टी रेस टू क्या लिखेंगे, माइनस टू। अब क्या करो, आप इक्वेट कर दो यार, यहां से देखो लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू जीरो, आई मीन x इक्वल टू क्या हुआ, माइनस वाई। और उसके बाद देखोगे तो एक इक्वेशन ये हो जाएगा, उसके बाद देखोगे कि माइनस टू वाई इक्वल टू वन, तो y इक्वल टू क्या हो गया, माइनस वन बाई टू। अब x का तो देखो यहां से क्या मालूम चला, यहां से मालूम चला कि x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू वन बाई टू, y इक्वल टू क्या हुआ, माइनस वन बाई टू, ठीक है, मालूम चल गया। अब उस रिलेशन में हम x y का वैल्यू रख देंगे तो ये ठीक है। तो यहां से देखो तो नाउ लिख सकते हैं कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या हुआ, k इंटू एक्स के पावर वन बाई टू, आई मीन l के पावर क्या हो गया, वन बाई टू, g के पावर क्या हुआ, माइनस वन बाई टू। तो ये कितना होगा, टी इज इक्वल टू के इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एल वाई क्या हो गया जी। इस केस में जो के का वैल्यू आता है वो कितना होता है, टू पाई आता है। क्या आता है, के का वैल्यू जो होता है क्या होता है, के का वैल्यू जो है वो क्या आता है, टू पाई आता है। तो यहाँ से टाइम पीरियड एक्चुअल जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, टू पाई अंडर रूट क्या होता है, एल वाई जी। तो दिस इज नथिंग बट द क्या है, टाइम पीरियड ऑफ यही रिलेशन, टाइम पीरियड ये क्या है, लेंथ, एंड दिस इज नथिंग बट द एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो देखो यहां भी यदि यहाँ ड्रॉबैक क्या है कि के का वैल्यू हम देखो टू पाई अपने को यदि याद नहीं हो तो हम एग्जैक्ट रिलेशन नहीं लिख सकते, ठीक है। तो उसके बाद ठीक है, तो यहां भी आप लिख सकते हो। तो इसके बाद देखो कि एक और रिलेशन देखो कि एग्जांपल और देखो कि ट्रांसवर्स वेलोसिटी, आई मीन वेव स्पीड इन अ स्ट्रिंग क्या होगा, वेव ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव स्पीड इन अ स्ट्रिंग डिपेंड ऑन टेंशन फोर्स टी
in a string as well as linear mass density. Linear mass density का मतलब क्या हो? मास पर यूनिट लेंथ, याद रखना है लीनियर मास, इसको न्यू या म्यू पढ़ते हैं, ठीक है। तो ट्रांसवर्स वेव स्पीड इन अ स्ट्रिंग डिपेंड ऑन टेंशन फोर्स टी इन अ स्ट्रिंग एज वेल एज लीनियर मास डेंसिटी म्यू। देन क्या है? देन फाइंड द, क्या है? फाइंड द रिलेशन, रिलेशन फॉर वेव स्पीड, यहां लिख लेना वी है ना, फाइंड द रिलेशन फॉर वेव स्पीड, ठीक है। अगेन देखो यहां, पहले तो मैं लीनियर मास डेंसिटी लिख देता हूं, लीनियर मास डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन लेंथ, ये आपको मालूम होना चाहिए। क्या होता है? मास अपॉन क्या होगा? लेंथ, आई मीन इसका डायमेंशन होगा, क्योंकि इसकी लीनियर मास डेंसिटी का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा? एम एल क्या होगा? माइनस, ठीक है। इसकी जरूरत अब हमको क्या मालूम है कि स्पीड, देखो तो हम स्पीड इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट के इंटू क्या लिखेंगे? टी के पावर एक्स, और क्या लिखेंगे? म्यू के पावर क्या लिखेंगे? वाई, यही होगा ना। अब के क्या है? के का वैल्यू हम यहां क्या मानते हैं? वन मान लेंगे, के इक्वल टू वन मान लेंगे, क्योंकि तो ये कितना है? क्यों मानेंगे? क्योंकि वन आता है, वन होना चाहिए। ये क्या होगा? ऐसे लिख देते हैं टी के पावर एक्स, ठीक है। अब नाउ लिख सकते हैं, नाउ फ्रॉम प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, क्या लिख सकते हैं? डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ t इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? x इंटू डायमेंशन ऑफ क्या लिखेंगे? लीनियर मास, ठीक है। t क्या है यार? फोर्स है, समझ में आया ना? टेंशन फोर्स आई मीन जो फोर्स का डायमेंशन होगा वही क्या होगा? टेंशन फोर्स का। तो इसका डायमेंशन क्या लिखोगे? इधर लिख दो m रेस टू 0 l t माइनस क्या होगा? 1। इसका डायमेंशन क्या होगा? m l t माइनस 2 के पावर x, और इसका डायमेंशन अभी हमने लिखा है, ठीक है। तो यहां क्या लिख सकते हैं? m l के पावर माइनस 1 y, ठीक है। यहां भी देखो तो m रेस टू 0 एल टी माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम के पावर एक्स प्लस वाई, एल के पावर एक्स माइनस वाई, और टी के पावर माइनस टू एक्स, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं? आपको एक्स वाई का वैल्यू फाइंड आउट, देखो ध्यान से, एक्स वाई का क्या करोगे? वैल्यू फाइंड आउट कर लो। देखो यहाँ से x प्लस लिख सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा? 0। और दूसरा क्या होगा? x माइनस वाई, आई मीन x माइनस है ना y, x माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा? 1। अब ये दोनों से ही सॉल्व हो जाएगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं 2x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू क्या होगा? 1/2, y इक्वल टू क्या होगा? -1/2। अब मालूम चल गया, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? t के पावर 1/2, म्यू के पावर क्या होगा? -1/2। तो ये जो स्पीड आता है आगे जब पढ़ोगे तो यही रिलेशन आता है। v क्या है? वेव स्पीड टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। ये क्या हुआ? वेव आई मीन टेंशन इन द स्ट्रिंग लीनियर
मास डेंसिटी और ये क्या है वेव स्पीड। इसको दूसरे मेथड से भी हम फिगर आउट करते हैं लेकिन ठीक है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, जब भी आपको रिलेशन डिराइव करना होगा तो आप ऐसे यूज करके, जैसे एक दो न्यूमेरिकल्स मैं बताता हूँ आप लोगों को कि, तो एक मिनट आप वेट करो, मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल बताता हूँ ठीक है, जो आए हुए हैं। अब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूँ, रुक जाओ ठीक है। देखो ध्यान से, ये कुछ क्वेश्चंस है जो मैं बता रहा हूँ आपको। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि द वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव क्या है। एग्जाम्पल देखो ये आया हुआ है ना, क्या होगा द वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव, वाटर वेव में डिपेंड ऑन देयर वेवलेंथ लैम्डा है ना, द डेंसिटी ऑफ वाटर रो ठीक है, एंड एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ठीक है, समझ में आया ना। तो द मेथड ऑफ डायमेंशन गिव्स क्या दिया हुआ है, द क्या है मेथड ऑफ डायमेंशन गिव्स द रिलेशन बिटवीन दिस क्वांटिटी, गिव्स द रिलेशन बिटवीन क्या है दिस क्वांटिटी। एस अब देखो फोर ऑप्शन दिया हुआ है, क्या है यहां दिया हुआ है वी स्क्वायर ठीक है, वी क्या है वेलोसिटी है, वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी के पावर माइनस वन लैम्डा के पावर माइनस टू, सॉरी लैम्डा के पावर माइनस वन। बी ऑप्शन देखोगे तो वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा जी इंटू लैम्डा। थर्ड ऑप्शन देखोगे तो वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा जी लैम्डा रो ठीक है। और डी ऑप्शन देखोगे ये दिया हुआ है वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी के पावर माइनस वन लैम्डा के पावर माइनस थ्री। इसको दो तरह से भी सोच सकते हो यार, आपको कुछ नहीं आता है तो आप दोनों तरफ डायमेंशन से भी चेक कर सकते हो। आपको एग्जैक्ट रिलेशन डिराइव करने में यदि प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हो, दोनों तरफ क्या कर सकते हो डायमेंशन, इधर भी डायमेंशन लिख दो और इधर देखो कि किसके लिए सेम आ रहा है, यदि जिस रिलेशन के लिए जिसमें सेम आ रहा है वही क्या होगा रिलेशन क्या होगा करेक्ट होगा ठीक है। अब इसको ये अच्छा क्वेश्चन है ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे और कुछ नहीं है इसमें। तो अब देखो क्या है, पहले देखना है कि वेलोसिटी क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है, क्या क्या चीज पे। तो क्या दिया हुआ है वेलोसिटी क्या चीज पे डिपेंड कर रहा है, वेवलेंथ ऑफ द वेव, डेंसिटी ऑफ द वॉटर एज वेल एज एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ जी, तीन चीजों पर क्या है डिपेंड कर रहा है। तो पहले डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है यहाँ मास अपॉन वॉल्यूम, याद रखना है। तो मैं यहां लिख देता हूं, यहां
इसको बोलते हैं वॉल्यूम मास डेंसिटी बेसिकली। अभी जो मैंने इसके पहले बताया था लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ होता है, सरफेस मास डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन एरिया होता है, और वॉल्यूम मास डेंसिटी जो होता है वो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो यहां क्या करना है आपको ध्यान देना है कि पहले अब क्या है, तो सॉल्यूशन में हम क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि जाओगे तो वेलोसिटी जो है वो क्या चीज पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आई मीन हम डायरेक्ट लिख सकते हैं वेलोसिटी इक्वल टू सम कांस्टेंट के इनटू क्या लिखेंगे लैम्डा, लैम्डा के पावर एक्स, रो के पावर क्या होगा वाई, एंड जी के पावर क्या होगा जेड। ठीक है, ये अपने को मालूम होना चाहिए। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, वेवलेंथ बताया था कि वेवलेंथ आई मीन लेंथ का डायमेंशन होगा। रो का डायमेंशन क्या होगा, देखो रो क्या होता है, रो आई मीन रो इक्वल टू क्या होगा मास अपॉन क्या होगा वॉल्यूम, तो ये डायमेंशन तुम खुद लिख सकते हो। तो देखो यहां मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि नाउ क्या लिख सकते हैं, नाउ डायमेंशन ऑफ वी इज इक्वल टू क्या होगा, ये तो डायमेंशन लेस होगा यार, तो डायमेंशन ऑफ लैम्डा के पावर एक्स, डायमेंशन ऑफ रो के पावर वाई, डायमेंशन ऑफ जी के पावर क्या होगा जेड। एक्स वाई जेड मालूम चल जाएगा तो ऑटोमेटिक रिलेशन मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखो अब वी इक्वल टू, वी का डायमेंशन क्या लिखोगे यार, एल आई मीन एम लिख दो, तो एम रेस टू जीरो एल टी माइनस क्या होगा वन। इधर वेवलेंथ का डायमेंशन क्या होता है, लेंथ होता है, तो लेंथ के पावर एक्स, इसका डायमेंशन क्या होगा मास अपॉन वॉल्यूम, तो क्या लिख सकते हैं मास एल के पावर माइनस थ्री वाई, और जी का डायमेंशन तुमको मालूम है एल टी माइनस क्या होगा टू के पावर जेड। ठीक है, तो अब देखो एम रेस टू जीरो एल टी माइनस क्या होगा वन इज इक्वल टू एल के पावर, देखो एल कहाँ कहाँ है, एल यहाँ, तो एल के पावर, एल के पावर एक्स प्लस जेड। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे, ऐसे लिख रहे हैं एम के पावर क्या होगा वाई, है ना, उसके बाद लिखेंगे एल के पावर एक्स प्लस जेड, और यहाँ नहीं गलत लिख दी, एक्स प्लस जेड माइनस थ्री वाई, सही है थ्री वाई, और टी के पावर क्या होगा माइनस टू जेड, यही होगा ना यार। अब अगेन क्या करना है, पावर को इक्वेट कर देना है LSH और LHS RHS, देखो सही है ना, कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक भी होता है मुझसे, तो L के पावर X माइनस थ्री वाई प्लस जेड, ठीक है सही लिखा हूँ M के पावर, तो यहाँ देखो M इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, आई मीन Y क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से यहाँ से M के पावर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा क्या, अरे इधर मास नहीं है, इधर क्या है मास है, क्योंकि इधर मास नहीं है इधर, तो इधर भी क्या होना चाहिए मास, तो यहां से लिख सकते हैं y इक्वल टू क्या होगा जीरो। अब देखो यहां से देखोगे तो टू जेड माइनस टू जेड इक्वल टू क्या होगा माइनस वन, तो जेड इक्वल टू क्या होगा वन बाई टू। अब इसको देखोगे तो क्या लिखोगे x प्लस जेड माइनस टू वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा वन, अब वैल्यू रख दो तो x प्लस वन बाई टू माइनस जीरो इक्वल टू क्या होगा वन, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या होगा वन बाई टू आएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू भी वन बाई टू हो गया, y इक्वल टू जीरो हो गया, और z इक्वल टू क्या हो गया वन। अब इसमें डायरेक्ट वैल्यू रख दो यार, तो देखो यहाँ कौन सा इक्वेशन आएगा, अब देखो इसमें वैल्यू रखो, नाउ फ्रॉम क्या होगा फ्रॉम वन, तो हम क्या लिख सकते हैं v इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट लेमडा के पावर x, तो लेमडा के पावर क्या होगा वन बाई टू। ठीक है, उसके बाद y जीरो, तो जेड के g के पावर क्या हो जाएगा, g के पावर क्या हो जाएगा वन बाई टू, तो यहां से हम लिख सकते हैं v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा के पावर वन बाई टू, जी के पावर क्या लिखेंगे वन बाई टू, तो v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा लेमडा इंटू जी। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, आई मीन क्या होगा बी विल बी क्या होगा करेक्ट ऑप्शन, आई मीन आंसर जो होगा वो क्या होगा, आंसर क्या होगा बी होगा। तो ऐसे हम क्या करते हैं डायमेंशन एनालिसिस यूज करके हम क्या करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, दूसरा एक और न्यूमेरिकल देख लो, ये आपको आना चाहिए क्योंकि जब भी नीट जेई में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जनरली डायमेंशन एनालिसिस का आई मीन
रिलेशन डिराइव करने के लिए हमेशा क्या है आपसे पूछा जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लो। अब ये देखो, ये भी आया हुआ है, टाइम पीरियड ऑफ ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ लिक्विड। देखो एग्जांपल देखो, ये क्वेश्चन मिलेगा तुमको, इवेंट टेस्ट में भी आएगा, इसलिए टेस्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना। रट जाओगे तो 5 मार्क्स तो 4 मार्क्स तो एकदम करेक्ट मिलेगा, है ना। तो अभी तो आ जाना चाहिए यार, इतने न्यूमेरिकल्स मैंने बताया इस पे, है ना। दे दिया हुआ टाइम पीरियड ऑफ ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ ए स्मॉल, देखो टाइम पीरियड टी लिख लेना यार, ऑफ ए क्या होगा स्मॉल ड्रॉप ऑफ लिक्विड ड्यू टू सरफेस टेंशन अब सरफेस टेंशन भी बताओ डिपेंड ऑन, ये जरूरत भी नहीं है, डिपेंड ऑन डेंसिटी आई मीन रो रेडियस आर एंड सरफेस टेंशन एस बताया था मैंने। द रिलेशन इज द क्या होगा, द रिलेशन अमोंग दीज क्वांटिटीज इज ऑप्शन, देखो क्या क्या दिया होगा। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन देखो, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, रो आर क्यूब अपॉन एस के पावर 1/2। सेकेंड ऑप्शन देखो, दिया हुआ है टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर रो एस, और सी जो दिया हुआ है टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो आर अपॉन क्या है एस, और डी जो ऑप्शन दिया हुआ है कि टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस अपॉन रो आर। ठीक है, अब तुमको क्या करना है, इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा आपको सिलेक्ट करके बताना है। सरफेस टेंशन मैंने बताया था, देखो सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स अपॉन क्या होता है लेंथ। तो यहां मैं हिंट्स देता हूं, यहां क्या होगा सरफेस टेंशन एस इक्वल टू क्या होगा फोर्स, फोर्स अपॉन ये बताया था यार, है ना, फोर्स अपॉन लेंथ। तो डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन इक्वल टू क्या होगा एम एल रेस टू 0 टी रेस टू क्या होगा -2, याद रखना है। ठीक है, अब यहां से कुछ नहीं है, उसके बाद तो आपको सब आता ही है कि डायमेंशन क्या, आप देखो क्या है, नाउ हम लिख सकते हैं, नाउ क्या होगा टाइम पीरियड इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट के। ठीक है, क्या क्या चीज पे डिपेंड कर रहा है यार, लिक्विड के डेंसिटी पे डिपेंड करता है, हम लिखेंगे रो के पावर एक्स, उसके बाद आर के पावर क्या है वाई, उसके बाद क्या है एस के पावर जेड, यही होगा ना यार, इसको हमने क्या किया इक्वेशन वन मान लिया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ, नाउ फ्रॉम क्या होगा, नाउ फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ टी, अरे यही है ना टाइम, इज इक्वल टू क्या होगा डायमेंशन ऑफ रो के पावर वाई एक्स। ठीक है, डायमेंशन ऑफ आर के पावर क्या होगा वाई, डायमेंशन ऑफ एस के पावर क्या होगा जेड। ठीक है, अब डायमेंशन क्या करना है, इक्वेट करके और आपको क्या करना है लिख देना। तो यहाँ क्या था यार,
टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो आर एस, जरूरी है। तो अब देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन क्या लिख सकते हैं, एम के पावर जीरो एल के पावर जीरो टी इज इक्वल टू, रो का डायमेंशन अभी बताया था मास अपॉन वॉल्यूम, तो क्या लिखेंगे एम एल के पावर माइनस थ्री के पावर क्या होगा एक्स इंटू आर के पावर क्या हो जाएगा, आई मीन आर रेडियस है तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा एल, उसका डायमेंशन अभी मैंने बताया कि एम टी माइनस क्या होगा टू के पावर जेड, यही है ना। इसको लिखोगे तो अब देखो क्या लिखेंगे, एम के पावर क्या हो जाएगा एम के पावर एक्स प्लस जेड, उसके बाद एल के पावर क्या हो जाएगा माइनस थ्री एक्स प्लस वाई, और टी के पावर क्या हो जाएगा टी के पावर माइनस टू जेड, बस हो गया। अब देखो यहाँ से इक्वेट करो, इक्वेट करोगे तो एम रेस टू जीरो एल रेस टू जीरो टी, तो x प्लस जेड इक्वल टू क्या होगा जीरो, तो x इक्वल टू क्या होगा माइनस जेड, ठीक है। उसके बाद माइनस थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, तो y इक्वल टू क्या होगा थ्री एक्स, और यहाँ से देखोगे तो यहाँ क्या है वन है कुछ नहीं है, तो माइनस टू जेड इक्वल टू वन, तो जेड इक्वल टू क्या होगा माइनस वन बाई टू, तो जेड इक्वल टू माइनस वन बाई टू, तो x इक्वल टू क्या होगा वन बाई टू हो गया, और y इक्वल टू क्या होगा थ्री बाई टू हो गया, ठीक है। और वैल्यू रख करके हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, तो दिख रहा है कि शायद फर्स्ट ऑप्शन होगा। अब यहाँ वैल्यू रख दो यार, तो t टाइम पीरियड जो होगा क्या होगा k, रो के पावर क्या होगा रो के पावर x माना है तो रो के पावर क्या होगा वन बाई टू, ठीक है। r के पावर क्या माना है मैंने r के पावर y, तो y कितना है थ्री बाई टू, तो r के पावर क्या हो गया थ्री बाई टू, ठीक है। और z के पावर हमने s के पावर z, तो s के पावर क्या है माइनस वन बाई टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा रो आर क्यूब अपॉन एस के पावर क्या होगा वन बाई टू, यही होगा ना। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, फर्स्ट जो है वो क्या है करेक्ट ऑप्शन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है करेक्ट आंसर क्या होगा ये। तो आप क्या करोगे है ना कि इस पे बेस्ड, ठीक है, आप खुद से प्रॉब्लम ट्राई करोगे, और इसके बाद वाले क्लास में हम क्या पढ़ेंगे इसका, एक और एप्लीकेशन बचा हुआ है, क्या है कि वन यूनिट से अदर यूनिट में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको देखेंगे, और फिर एरर एनालिसिस पढ़ेंगे, ठीक है। ओके थैंक यू, आज के क्लास में बस इतना ही।